गाजीपुर में कोरोना से संक्रमित नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण का यह सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार की शाम 2 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। आइए आपको इन दोनों मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। इसमें से एक मरीज महिला है जो दिलदार नगर गाजीपुर की रहने वाली है। वहीं दूसरा मरीज चिलबिलिया बहरियाबाद सादात का है। बता दें कि महिला का एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव केस है, यानी कि किसी पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से यह संक्रमण फैला है। 2 जून को महिला की सैंपलिंग करने के बाद चंद्रशेखर महाविद्यालय सेवराई में क्वारंटीन किया गया था, जबकि दूसरे मरीज की डोमेस्टिक हिस्ट्री निकलकर सामने आई है। यह 22 मई को मुंबई से ट्रेन से गोरखपुर आया था, वहां से सरकारी बस से गाजीपुर आया था। यह दुल्लापुर के मां शारदा स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। इन दोनों का सैंपल 2 तारीख को लिया गया था, जिसके बाद आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि इन दोनों मरीजों को लेकर देखें तो अब तक गाजीपुर में 167 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इनमें से 80 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद अब गाजीपुर में 87 एक्टिव कोरोना के केसेस हैं। गाजीपुर में बढ़ते मामलों को देखकर हमारी आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें व सामाजिक दूरी जितना हो सके बनाए रखें। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।